स्मार्टफोन गेम से तो देखते हैं क्या खासियत है एनिमेशन में जिस वजह से आपको देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमे को डायरेक्ट किया मुनिशा साकाई ने, जिन्होंने इससे पहले वन पीस फिल्म स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड, प्रिटी गार्डियन, सेलर मून क्रिस्टल ओएनए और जॉन मिलेंड सागा एनिमे सीरीज को भी डायरेक्ट किया है। एनिमे का सीरीज कंपोजिशन किया है कियोको योशिमुरा ने, जिन्होंने द लेजेंड ऑफ लेजेंडरी हीरोज, रिडल स्टोरी ऑफ डेविड और समर 2020 के द गॉड ऑफ हाई स्कूल एनिमे का सीरीज कंपोजिशन भी किया है। एनिमे को प्रोड्यूस कर रहा है माफा स्टूडियो और इस स्टूडियो के बारे में भी आपको बताने की जरूरत नहीं। मिस्टर लव क्वींस चॉइस एक रोमांस सोलो स्लाइस ऑफ लाइफ सुपर पावर एनिमे है। एनिमे के फर्स्ट एपिसोड का टाइटल है बिगनिंग बॉन्ड्स, जिसके शुरुआत में हमें हमारी एनिमे की फीमेल प्रोटोगनिस्ट भागते हुए दिखाई जाती है और मैं इसका नाम आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि बताऊँगा तो तब जब मुझे खुद पता होगा। मैंने ढूंढने की कोशिश की पर मुझे इसका नाम नहीं मिला। गेम में इसे हीरोइन या फिर एमसी उर्फ मेन कैरेक्टर पूरा नाम लेना पड़ता है ना, वरना तुम लोग गलत ना सोच लो, मजाक कर रहा हूँ भाई। और क्यों कहकर बुलाया गया है, हालांकि मुझे लगता है कि एनिमे के आगे आने वाले एपिसोड में हमें हमारी हीरोइन का नाम पता चल जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, जहाँ भागते हुए हमारी हीरोइन की टक्कर कार से होने वाली होती है कि तभी टाइम रुक जाता है और एक लड़का उसे बचाता है और सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हमें हमारी हीरोइन के एडल्ट वर्जन से मिलाया जाता है। फिर हमें इस एनिमे के वर्ल्ड के बारे में जानने को मिलता है, जहाँ पर इवॉल्व नाम की यूनिक पावर एग्जिट करती है जो बहुत कम लोगों पर पाई जाती है, जिनमें से कुछ अपने फेट को हराने का रास्ता चुनते हैं, कुछ दुनिया से लड़ने का। इन लोगों को इवॉल्वर्स कहा जाता है। फिर हमें मिरेकल फाइंडर नाम के टीवी शो के बारे में पता चलता है, जो मिरेकल्स और ट्रूथ की कहानियाँ दिखाता है, जिसे हमारी हीरोइन के डैड ने स्टार्ट किया था, पर 2 साल पहले उनकी डेथ होने की वजह से मिरेकल एंटरटेनमेंट की कमान हमारी हीरोइन के कंधों पर आ गई और हमारी हीरोइन की छोटी सी कंपनी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें पहले जितनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है और उनको स्पॉन्सर करने के लिए लवलैंड फाइनेंशियल ग्रुप शॉर्ट में LF की कंपनी ही बची है, जो भी कब उनका साथ छोड़ दे किसे मालूम। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी हीरोइन की कंपनी का समझो द एंड। जिसके बाद हमारी हीरोइन एना और कीको को बताती है कि वो मिस्टीरियस वार्पिंग इंसिडेंट्स के बारे में दोबारा से इन्वेस्टिगेट करना चाहती है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एंट्री होती है एनिमे के फर्स्ट मेल प्रोटैगनिस्ट कीरा की। नहीं, लाइट यागामी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ इसके भी 2 नाम हैं, क्योंकि सबटाइटल में आपको इसका नाम कीरो लिखा दिखेगा। तो कीरा एक फेमस डांसर है जिसका डांस भी आपको बिल्डिंग्स में लगे हुए टीवी में दिखाई जाएगा। खैर हमारी हीरोइन और कीरा बात कर रहे होते हैं, फिर हमारी हीरोइन उसे अपना कार्ड देती है उसके शो में आने के लिए, लेकिन वो हाँ बोलता है या नहीं ये तो मैं आपको बताऊँगा नहीं। इसके बाद हमारी हीरोइन रोड क्रॉस करने का इंतजार कर रही होती है कि तभी कोई उसे धक्का दे देता है और वो फिर एक बार कार से टकराने वाली होती है कि तभी दोबारा से टाइम रुक जाता है और एंट्री होती है हमारे एनिमे के सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट की, जो उसे बचा के वहाँ से चला जाता है। ठीक इसके बाद एंट्री होती है एनिमे के थर्ड मेल प्रोटैगनिस्ट की, जो एक लड़के पर नज़र रख रहा होता है और इसके आगे एपिसोड में क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि टाइम सब हाँ बस इतना बता सकता हूँ कि आपको एनिमे के फोर्थ एंड फाइनल मेल प्रोटैगनिस्ट से भी मुलाकात इसी एपिसोड में हो जाएगी, जिससे हमारी हीरोइन को एक जरूरी काम होगा। एनिमे का एनिमेशन अच्छा लग रहा है, जिसे एनिमेट आखिर मापा जो कर रहा है। एनिमे का आर्ट स्टाइल भी अच्छा है, वहीं एनिमे के कैरेक्टर्स का डिजाइन भी काफ़ी सुंदर है, खासकर हमारी हीरोइन जो काफ़ी क्यूट लगती है और कीरा जो काफ़ी हैंडसम है। हालांकि बाकी कैरेक्टर्स भी स्मार्ट और स्टाइलिश हैं। एनिमे के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें जिसमें मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पहले एपिसोड में कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन ही कराया जाता है, जहाँ हमारी हीरोइन का कैरेक्टर हार्ड वर्किंग है और साथ ही इसमें मुझे लगता है कि उसमें भी कुछ स्पेशल बात है। तो दूसरी तरफ हमारे 4 हीरो में से एक का नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसकी मुलाकात हमारे हीरोइन से पहले एपिसोड में नहीं हुई है। वहीं कीरा के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक सुपरस्टार है। बाकी बचे 2, जिनमें से एक है सीमोन जिसका सबटाइटल में नाम लूसियन आता है और दूसरा है जैन जिसका सबटाइटल में नाम विक्टर आता है, और जैन की पावर आपको एपिसोड 1 देखकर पता चल जाएगी। एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग निबिरो नो योके संग बाय युतारो मियुरा मुझे पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ एंडिंग सॉन्ग मायोरिते के किता युकी संग बाय कोनोमी सुजुकी मुझे एवरेज लगा। वहीं बात रही बैकग्राउंड म्यूजिक की, जो कि मुझे अच्छा लगा। एनिमे की स्टोरी की बात करें जिसमें सबसे पहले तो मैं हमारे हीरोइन का नाम जानना चाहूँगा, दूसरा एनिमे को मापा प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें एनिमे में एक्शन भी देखने को मिला कि पहला एपिसोड देखकर मैं कहूँगा कि एनिमे में हमें मिस्ट्री देखने को मिलेगी। साथ ही रोमांस को कौन बोल सकता है, कौन हमारी हीरोइन का हीरो होगा इन 4 में से,
ओवरऑल पहला एपिसोड मुझे अच्छा लगा, हालांकि एपिसोड में आपको कॉमेडी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो जरूर सी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। अगर सब्सक्राइब कर लिए तो साथ में बगल में दी गई घंटी का आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।